भाई आगे कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस, मतलब कॉल एरियर मतलब बकाया मान जिस पर पैसे नहीं मिलते। मान लो किसी अर्जदारी ने एप्लीकेशन दे दी, जुड़ गया व्यापार से, जुड़ने के बाद अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या तीनों कॉल या दो कॉल कोई भी नहीं चुकाता है तो अपने बकाया मान। और कुछ ऐसे होते हैं कि बार बार कौन चुका है, एक साल अगर बोलते हैं आपके अग्रिम मान, कोई पैसा लेट देता है तो हम ब्याज उल्टा लेंगे उससे कि आप पैसा लेट दिए तो आप वो पैसे भी दो और साथ में ब्याज भी दो, उसमें ब्याज लेते हैं और इसमें आप ब्याज देते हैं। पहला अर्थ है वही जो आपके फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद वाली कॉल्स में से कोई नहीं दे तो इसमें अर्थ हो जाएगा आप ये तो है आपके कोई ड्यू रह जाएगा और ये आपके कोई क्या देते आपके एडवांस, दो कॉल तीन कॉल का पैसा एडवांस देते तो उसे कहते हैं आपके कॉल इन एडवांस कहते हैं। अगर कोई पैसा एडवांस दे दे, फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पर दे दे या सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पर दे दे दो, अब ब्याज इस पर तो ब्याज आपको लिया जाता है मतलब रिसीव होता है और इसे हम ब्याज दिया जाता है, हम गिवन देते हैं अगले को क्यों देते हैं तो बकाया माल को ब्याज में लेते हैं क्या, यानी उसके पैसे ऑलरेडी उसने लेट दिए जितना लेट देगा उसका क्या लेगा ब्याज, ब्याज के साथ हमें वो पैसा देगा, वो पैसा वो कॉल का पैसा भी देगा और साथ में उसके साथ ब्याज भी हमें देगा तो हम वो लेंगे उससे और ये दिया जाएगा उल्टा देना पड़ेगा आपको। मतलब कि क्योंकि कोई किसी ने पैसा एडवांस दे दिया, हम अगर मान लो किसी को अगर कॉल अगर कोई ड्यू है उसके उसको हम अगर ब्याज दे रहे हैं तो आपको ब्याज देना भी पड़ सकता है। अगर किसी ने ज्यादा पैसा दे दिए तो आपको ब्याज देना पड़ता है, क्योंकि आप ब्याज दे रहे हो तो ब्याज देना ही पड़ता है। अब ब्याज दर क्या होगी लेने और देने की, इसमें दो एक तो है आपके सारणी ए हो या सारणी अ है, इसके अनुसार है आपके बकाया मान पर तो है 5%, ब्याज लेंगे कम लेकिन देने ज्यादा, यहाँ पर है आपके 6%। ये पुरानी दर है, ये अभी भी आपके बुक्स में है, नई बुक्स में भी आपकी यही दर है और 2013 के नियम के अनुसार सारणी चेंज कर दी है, सारणी हो गई है आपके एफ, इसमें यहाँ तो है 10% और यहाँ पर है आपके 12 डबल कर दी पूरी। अगर आपसे वहां लिखा हुआ है कि साढ़े एफ का प्रयोग करो तो ये करना है, साढ़े ए का प्रयोग करना है यह करना है और कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो आप अपनी इच्छा से जो भी दर लेना ले सकते हो और साथ में लिख देना कि मैंने साढ़े ए का प्रयोग किया या मैंने साढ़े बी का प्रयोग किया, मैंने साढ़े एफ का प्रयोग किया, क्योंकि साढ़े एफ 2013 के नियम के अनुसार है और ये है 1956 के नियम के अनुसार, कंपनी अधिनियम 1956 और ये कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। तो आपके ये भी राइट है और ये भी राइट, कुछ भी नहीं दिया उसका में। ये साढ़े ए का प्रयोग करने का है ये दोनों, साढ़े ए का प्रयोग करने का है तो ये दोनों लेंगे। फिर ये प्रदर्शन का दिखाते हैं इसे तो दिखाते हैं आपके इक्विटी शेयर कैपिटल में से माइनस करके घटा के दिखाएंगे, माइनस करके दिखाएंगे और ये बताते हैं हम लायबिलिटी साइड में, मतलब अलग से, मतलब ये आएगा आपके रिजर्व सरप्लस के बीच में आ जाएगा कॉल एंड एडवांस, तो वो आप एडवांस करंट लायबिलिटी में लिख सकते हो क्योंकि ये क्या है आपके एडवांस है, मतलब रिसीप्ट एंड एडवांस मत होती है तो आपके करंट लायबिलिटी में आ जाएगी, आप ये करंट लायबिलिटी हो जाएगी। और अगर मान लो बकाया मांग है तो इक्विटी सेकंड में से माइनस कर देंगे और इसको अलग से दिखाएंगे पूरा विवरण, कॉल एडवांस 5% लिखेंगे और ये इक्विटी सेकंड में से घटा कर लिखेंगे। अब जनरल एंट्री कैसे करते हैं, सबसे पहले कॉल इन एरियर की मतलब पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला है तो जो पैसा नहीं मिलने की ये तो एंट्री होगी नहीं आपकी, कि आपकी ये तो होती है कॉल एरियर तो एंट्री नहीं होती, हाँ ब्याज की एंट्री करेंगे। कॉल एंट्री की एंट्री कर भी सकते हो और नहीं करो, दोनों राइट है, लेकिन ज्यादातर ये होता है कि कॉल इन एरियर की एंट्री की नहीं जाती, बस सिंपल पैसे हमने माइनस करके लिखने, सिंपल यही करना। अब इसकी तो एंट्री होगी नहीं लेकिन ब्याज की एंट्री होगी आपकी। अब ब्याज की एंट्री क्या होगी आपकी, इसमें ब्याज आपको मिलता है उल्टा, तो पैसा आया बैंक अकाउंट दिया, क्यों आया क्योंकि किसने पैसे लेट दिए तो हमें उस पर क्या लिखना है ब्याज देना है, वो भी 5% या साढ़े के अनुसार 10% जो भी हो। बैंक अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, कॉल इन अरियर ये आ जाएगा और इस मद को हम कहा भेज देंगे पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, ये टू में है तो इसको बाई में लिख दो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर अकाउंट DR 2 कहा भेज देंगे, इसको हम P&L में भेज देंगे। अब गणना करने कैसे गणना करेंगे, जो पैसे आपके ड्यू रह गए इनटू जितना समय है महीने है बटा 12, जितने महीने आप लेट करोगे वो लेना है इनटू दर। अब 10% लेनी है या आपको कितनी लेनी है 5% बटा क्या कर देंगे 100, जो साल दिया हुआ है। नहीं तो साल में लिखा हुआ आ जाए वो तो ले लो, अगर हमारी कंपनी खुद डिसाइड कर दे कितना परसेंट लेना है वही लेंगे, और कुछ भी नहीं दिया अपनी मर्जी से 10% या 5% जो इच्छा है वो ले लो। लास्ट लिख देना हमने सारणी का प्रयोग किया या मैंने सारणी का प्रयोग किया, ये लिख सकते हैं। जो आएंगे रुपए वही रुपए आपको यहाँ चारों में लिखना है। फिर है आपके कॉल इन एडवांस, एडवांस की एंट्री होगी आपके, कोई पैसा मिलता है एडवांस तो एंट्री क्या हो जाएगी आपके बैंक अकाउंट DR 2 कॉल इन एडवांस। ये तो है कॉल इन एडवांस की एंट्री। कॉल इन अरे की कोई एंट्री नहीं होती, ये जो पहली एंट्री है वो आपके नहीं होती, ये दूसरी एंट्री है और ये तीसरी एंट्री है। कॉल इन अरे की कोई एंट्री नहीं होती, केवल पैसे घटा कर लिखते हैं। अब यहाँ आपके कॉल इन एडवांस की एंट्री होगी जो अभी क्वेश्चन नंबर आपके 8 में बताएंगे। अब ये है आपके एडवांस की एंट्री, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री है आपको ब्याज, यहाँ तो ब्याज मिलता है और पैसे वो ज्यादा ज्यादा एडवांस हम ब्याज देंगे उसको उल्टा, मतलब पैसा जाएगा उसको टू बैक होगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस टू क्या हो जाएगा आपके बैंक, उसका आपको ब्याज देंगे। और साथ में ये लाइन जो है इसको कहाँ भेजनी है, P&L भेजनी है। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपके P&L अकाउंट DR 2 इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। अब ये तो राशि निकलती वो कैसे निकालेंगे, ऐसे स्टेप या ड्यू लिखा हुआ है एडवांस लिख दो, जितने रुपए एडवांस आए जितने महीने पहले आ गए, और दर आपकी इच्छा हो जो, क्योंकि अभी तक लिखा हुआ नहीं, नई बुक्स में भी आपके 5 और 6 ही है, नई जो बुक्स है बिल्कुल नई उसमें भी 5 और 6 है। ये तो क्या है बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के है 10 और 12 ऐसा लिखा हुआ है, उनकी किताबों में चेंज हो गया, आपके अगले साल का बुक में चेंज, तब तक आपके 5 और 6 है, इसका ध्यान देना है। फिर भी याद कर लो यहाँ साढ़े दे भी दे रूल्स के हिसाब से, तो साढ़े में डबल है सिंपल, ये ज्यादा है ये पहले आता है बाद में आता है ज्यादा है, ज्यादा कैसे लिख दो, कैसे याद करनी है।